हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं फूड फटाफट। दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक स्ट्रीट फूड की रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हूं, जो कि है ड्राई चिली चिकन की। तो आइए देखते हैं ड्राई चिली चिकन इंडिया में एज ए स्ट्रीट फूड किस तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे और उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं और उसको फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ कटे हुए प्याज और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे कटे हुए एक ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। YouTube पे डालने के लिए कह रहा हूँ, YouTube पे डालूँगा। YouTube होता है। दोस्तों, ये वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं रेड चिली पेस्ट यानी कि जो लाल मिर्च है हमारी उसकी पेस्ट बनाई गई है और उसको हम इसमें ऐड करते हैं। इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें दो या एक गिलास पानी, थोड़ा सा ही पानी डालना, ज़्यादा नहीं, ताकि बस हमें अपना जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसको पकाने के लिए, क्योंकि ये हमारा ड्राई चिली है तो इसमें हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। दोस्तों, अब इसमें हम डालते हैं कुछ नमक स्वादानुसार यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपका जितना टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप नमक डालिए और साथ ही साथ डालिए आप अजीनोमोटो, जो हमारी ड्राई चिली चिकन का स्वाद बदल देता है। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे अब रेड केचप यानी कि जो हमारा टमाटो केचप है वो, और इसके साथ डालेंगे विनेगर प्लस रेड चिली सॉस, और साथ के साथ हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। साथ ही साथ इसमें हम डालते हैं कटी हुई धनिया की कुछ पत्तियां। दोस्तों, अब इस ग्रेवी को सिर्फ 5 मिनट के लिए पकने देते हैं और ताकि अच्छे से हमारा जो वेजिटेबल्स है वो पक जाए, और इसी बीच में हम अपना जो बोनलेस चिकन है उसको तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन को पहले से ही मैरिनेट और हल्का सा फ्राई करके रखा हुआ है और अब इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। दोस्तों, चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम लेते हैं अंडा, कॉर्नफ्लावर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्का सा नमक। हल्का सा इसलिए क्योंकि हम इस पे बाद में भी नमक डालते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो अभी जो चिकन हम मैरिनेट कर रहे हैं उसमें हल्का सा नमक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और चिकन उसमें मिक्स करके उसको 30 मिनट के लिए पहले आप मैरिनेट करके रख दीजिए। उसके बाद उसको हम फ्राई करेंगे यानी कि डीप फ्राई कर लेते हैं ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से पक जाए, और बाद में उस चिकन को हम अपनी ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा जो चिकन है वो डीप फ्राई हो रहा है और ऑलमोस्ट पक चुका है। इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं ताकि जो चिकन है वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है, डीप फ्राई हो चुका है, पक चुका है अंदर से। तो अब इसको हम ऐड करते हैं अपनी ग्रेवी के साथ। यह हमने चिकन को ग्रेवी में ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अरारोट वाटर यानी कि अरारोट मिक्स किया हुआ पानी, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको अब अच्छे से मिक्स करके लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और इसमें जितना पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप कि बिल्कुल सूख चुका है, और जो हमारा चिकन है वो पक चुका है और अच्छे से अब हमारी ग्रेवी के साथ मिक्स हो चुका है।
अब इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम डालते हैं कुछ और कटी हुई धनिया की पत्ते, और ये जो हमारा चिली चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है सर्विंग के लिए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस वीडियो में दिखाई गई रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं रेसिपी नई डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मेल पर मिल जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इन फ्यूचर मैं और नई रेसिपीज़ लेके आऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.